देशभरासह चंद्रपूर शहर आणि जिल्ह्यात बुधवारी अल्लाहला प्रसन्न करण्यासाठी आणि धन्यवाद देण्यासाठी तसंच देशामध्ये भाईचारा निर्माण करण्यासाठी रमजान ईद हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. प्रेमाची शिकवण देणाऱ्या या सणानिमित्त विविध मस्जिद आणि ईदगाहमध्ये मुस्लिम बांधवांची मोठी गर्दी जमली होती. यावेळी प्रत्येक रोजंदाराच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसून आला. इमान, नमाज, जकात, रोजे आणि हक या पाच तत्वांना मुस्लिम धर्मात महत्त्व आहे. यापैकी रोजा हे मुस्लिम धर्मियांसाठी तिसरं कर्तव्य असून हे व्रत रमजानच्या दिवशी सोडलं जातं. त्याआधी महिनाभर अल्लाहला आपल्या हृदयात जागृत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी रोजा पाळला जातो. त्यानुसार यंदाही देशभरासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुस्लिम बांधवांनी तब्बल एक महिन्याचा रोजा पाळला. त्यानंतर बुधवारी साजऱ्या झालेल्या ईदच्या दिवशी तमाम रोजंदारांनी रोजा सोडला. तत्पूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध मस्जिद आणि ईदगाहमध्ये मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा केली. चंद्रपूर शहरातल्या जनता कॉलेज जवळील ईदगाहमध्ये सुद्धा मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा करत आपापसात भाईचारा कायम ठेवण्याची प्रार्थना केली. ईदच्या दिवशी परमेश्वर आपण केलेल्या गुन्ह्याबद्दल माफ करत असतो असं समाज म्हण आहे. त्यामुळे मुस्लिम बांधवांनी यावेळी आपल्या गुन्ह्याची माफीसुद्धा मागितली. त्यानंतर सर्व मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांना आलिंगन देत ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. या सणाविषयी लायू चंद्रपूरला अधिक माहिती देत आहेत ईदगाहचे मुक्तीवली उल्लाद. मुल्क है तो हम हैं, अगर हम मुल्क नहीं तो हम कहाँ से होंगे. इसलिए मुल्क की हिफाजत के लिए मुल्क के वक्त पे कोई किसी किस्म की आफत आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, दुआ कर रहे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो तो हम सबको एक होकर कंधे मिला मिला करके कदम मिला मिला करके आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए. बस ये दुआ है और ऐसे मुबारक मौके पर हम अपने अहले वतन को और ख़ासकर चंद्रपुर वालों को आज इसके मौके पर हमारे घरों पर आएँ, हमारे घरों में सवैयाँ खाएँ, एक दूसरे को हम दूसरे को मुबारकबाद पेश करें. आप भी करें, हम भी आपको पेश करेंगे. इसी तरीके से भाईचारगी के साथ हम जिंदगी गुजारें. चंद दिन की ये ज़िंदगी है, कट जाएगी. बहुत सारे लोग थे, आज नहीं है, कल हम भी नहीं होंगे. अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आने वाली नस्लें हमें याद करेगी. जैसे हम आज अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करते हैं, रफ़ी अहमद कदवाई को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, सरदार पटेल क्यों याद करते हैं, इसलिए कि इन लोगों ने वतन के लिए खून बहाया था, वतन के आने वाले नस्लों के लिए बहुत कुछ उन लोगों ने मुसीबतें झेली थी. उसी तरीके से अगर हम ने काम किया, उनके नक्श कदम पे चले, तो आने वाली नस्लें, आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो हमें याद करेगी. बस इन चंद अल्फाज के साथ कि एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बने. इस पर इस बातों के ऊपर हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं. वाखर दावाना अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन. दरम्यान नमाज अदा करून बाहेर आलेल्या सर्व मुस्लिम बांधवांना चंद्रपूर मंडपातर्फे महापौर अंजनी घोटेकर आणि उपमहापौर अनिल फुलझेले यांनी तर पोलीस प्रशासनातर्फे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, अप्पर पोलीस अधीक्षक खैरे यांच्यासह शांतता समितीच्या सदस्यांनी गुलाब पुष्पांसह ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर महापौर घोटेकर आणि पोलीस अधीक्षक डॉक्टर रेड्डी यांनी जिल्ह्यात बंधुभाव आणि प्रेम कायम ठेवून एकोप्यानं राहण्याचं आवाहन केलं. ईद का त्यौहार मतलब सभी से प्रेम से रहने का संदेश देने वाला त्यौहार है. हमारे चंद्रपुर में सभी हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक दूसरे के साथ में मिलके बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और आज ईद का त्यौहार जो है हम सभी लोग बहुत खुशी से मनाते हैं. ईद के त्यौहार में 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं, जिसके वजह से हम हमारे शरीर को संतुष्ट करते हैं, स्वच्छ करते हैं. उसी तरह से हमारे कान है, हमारे आँख है, इनको भी हम लोग पूरी तरह से साफ करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमको पूरे साल भर अच्छा काम करने की, नेक काम करने की हमको बहुत बहुत ताकत देता है. मैं फिर से आप सबको इस ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ. आज चंद्रपुर में सभी मुस्लिम भाइयों को चंद्रपुर पुलिस की तरफ से रमजान का ईद मुबारक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ.